हेलो स्टूडेंट, आई एम उमेश टीचर फ्रॉम सेंट रॉबर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमो। वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो सेशन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सेवेंथ मैथ्स चैप्टर सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नेम इज सिंपल इक्वेशन। जब भी हम सिंपल इक्वेशन की बात आते हैं तो इसमें एक टर्म आता है वेरिएबल्स। क्या टर्म आता है? वेरिएबल्स। व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द कंटेंट विच कंटेन मल्टीपल वैल्यूज। मीन्स वेरिएबल वो टर्म होती है जो कि बहुत सारी वैल्यू को कंटेन करती है। मीन्स ये एक टाइम में एक वैल्यू रखती है, मगर उसको सेकेंड टाइम सॉल्व किया जाता है तो इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है। इट डज़ नॉट कंटेन सेम वैल्यू, इट कंटेन डिफरेंट वैल्यू, से बोलते हैं वेरिएबल। फिर आपका नेक्स्ट आता है LHS RHS। LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपके जो लेफ्ट हैंड, जिस आपको जो लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं LHS। इक्वल साइन है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन कहलाता है वो कहलाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड आपका राइट हैंड साइड RHS। इक्वल के जो राइट हैंड साइड का पोर्शन होता है वो कहलाता है RHS। आफ्टर दिस वेरिएबल प्लस नंबर्स प्लस इक्वल साइन, जब इनका एक ग्रुप बनता है तब इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल्स नंबर्स ऑपरेटर्स एंड प्लस इक्वल साइन। इक्वल साइंस में होना ज़रूरी होता है, इसे बोला जाता है इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप वेरिएबल का एग्जांपल देखें तो होता है एक्स वाई जेड। दे आर ऑलवेज मोस्टली टाइम दे आर अल्फाबेटिक कैरेक्टर। इन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेरिएबल, व्हाट इज़ द LHS RHS एंड इक्वल साइन। द कम्बाइनेशन ऑफ दिस वेरिएबल्स ऑपरेटर्स नंबर्स एंड इक्वल इज नोन एज इक्वेशन। नाउ we learn about the translocation of number which are having operators। जब हम numbers का translocation करते हैं, means equal side sign के या तो left hand side या तो right hand side किसी number को लेके आते हैं और उसके पास कोई operator, साथ कोई operator होता है। operator means आपके साथ plus, minus, multiply, divide। operators क्या क्या होते हैं आपके? plus, minus, multiply and divide। अब इन ऑपरेटर्स को जब आप नंबर के साथ किसी इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो इस प्रकार है, नंबर प्लस से प्लस प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप उसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस होगा। माइनस में कोई नंबर जो राइट हैंड साइड, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका प्लस। सेम ही चेकेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई माइनस साइन का नंबर है, कोई नंबर जो माइनस का कंटेन किया हुआ है, जब वो इक्वल के राइट हैंड साइड आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब प्लस राइट लेफ्ट हैंड साइड आता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिया हुआ है x प्लस टू इक्वल टू सिक्स, तो जब हम इस प्लस टू को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सिक्स, प्लस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू। अंडरस्टैंड? प्लस साइन था, एक नंबर था टू जो प्लस साइन लिए हुए, जब वो इक्वल के राइट हैंड साइड में उसको हमने ट्रांसलोकेट किया तो वो क्या हो गया? माइनस टू। से हम आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अगर दिया हुआ है एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स या टू एक्स, सपोज आपका इक्वेशन है ये दिया हुआ है, तो जब आप इस टू एक्स को यहाँ पर ट्रांसलोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स। क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस हुआ, जब इक्वल के साथ आया तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, इनके साइन को चेंज कर दिया, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। सेम ऐसे करेंगे, सिक्स यहाँ पर टू है माइनस में दिया, जब यहाँ पे आएगा RHS में तो ये हो जाएगा इसका साइन चेंज हो के प्लस टू। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लस एंड माइनस साइन। नाउ सेम ऐसे हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये मल्टीप्लिकेशन साइन डिवीजन साइन को भी हम सेम एस चेंज करते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन साइन को नंबर वाले नंबर को RHS में राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो डिविजिबल होता है, और अगर मल्टीप्लाई को और डिविजल को हम सब लाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आप जो है समझ सकते हैं, इस एक्स मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, तो जब फोर को जब हम इस राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर। अंडरस्टैंड? और सेम होगा अगर डिवाइड में कोई नंबर, मीन्स एक्स
डिवाइड बाय 2 या दिया हुआ है x बाय 2, हमें एक नंबर दिया हुआ है। जब हम इसको इक्वल साइन के राइट हैंड साइड लेके आएंगे इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 2। जो डिवाइड वाला साइन था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और जो मल्टीप्लाई का साइन था वो डिवाइड में चेंज हो गया। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस में है, साइन को हम चेंज करेंगे, जब इसको 4 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा 6 माइनस 4, मीन्स आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। अब हमने एक सबट्रैक्ट वाला क्वेश्चन किया यहाँ पे, y माइनस 2 में से एक नंबर है जो माइनस साइन लिए हुए, जब इसको हम RHS ले जाएंगे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5, y की वैल्यू हो जाएगी हमें 7, हमें गेन हो जाएगी। Here we have another example. By multiply 3 is equals to 18. इससे हमें पता था मल्टीप्लाई को हम राइट हैंड साइड लाते हैं तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स y इज इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 3, मीन्स y इज का आंसर रहेगा आपका 6, बिकॉज 3 से अब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, सो वी हैव गेट द आंसर y इज इक्वल्स टू 6। नाउ द अदर एग्जांपल डिवीजन x बाय 4, मीन्स x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। जब इस 4 को राइट इस इक्वल साइन के राइट हैंड साइड लेके आएंगे तभी हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 4, जो डिवाइड का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया मल्टीप्लाई में। सो y की वैल्यू है 3 4 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। नाउ देयर इज अनदर सिस्टमेटिक मेथड, स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक होती क्या है, सिस्टमेटिक मेथड में कुछ नहीं होता, सिंपल सा फार्मूला होता है कि ये सिमिलर एक ही नंबर को, सेम नंबर को हम बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड या तो ऐड कर दें या सबट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है x डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 25, मीन्स ये क्या दिया है x बाय 5, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, बोथ साइड अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स x बाय 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो जो 5 है 5 5 एक दूसरे को 5 बन जाए 5 5 बन जाए 5, क्रॉस आउट कर देंगे तो हम x की वैल्यू हो जाएगी 125, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो हो जाएगा आपका 125। ना अनदर एग्जांपल 7p इक्वल्स टू 47। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी यूज डिवीजन मेथड, डिवाइड करेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, मीन दोनों तरफ हम 7 डिवाइड करेंगे, मीन्स इसमें आ जाएगा 7p डिवाइड बाय 7, 42 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, और हम सब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, तो वहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी 6। आई होप डेट यू अंडरस्टैंड दिस वैल्यू वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।